दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है कोल इंडिया में, तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे क्या क्या वैकेंसी है। एक वैकेंसी है नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि सिंगलोगुरी एमपी में स्थित है। तो क्या वैकेंसी है, क्या नहीं है, तो कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वायरमेंट है क्या, क्या नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड जो कि मिनी रत्नम कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की, तो उसमें वैकेंसी निकली हुई अराउंड 400 के। तो यहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संचालित अपनी विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961, शिक्षुता प्रशिक्षु नियम 1992 और संशोधन अधिनियम 2014 तहत कंपनी सभी पात्र एवं इच्छुक यूपी एवं एमपी के केवल मूल निवासी उम्मीदवारों के निम्नलिखित ट्रेड में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप एमपी और यूपी के कैंडिडेट हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, बाहर स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो कुल पद है वो ट्रेड के अकॉर्डिंग है। तो वेल्डर के लिए 88 पद है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 179 पद है और आगे फिटर के लिए 174 पद है। तो टोटल पद है वो 441 है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या योग्यता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वेल्डर के लिए 8वीं एवं ITI उत्तीर्ण वेल्डर में NCVT या SCTVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रिशियन के लिए 10वीं के साथ ITI होना चाहिए। फिटर के लिए 10वीं के साथ ITI पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी ट्रेड हेतु सभी सामान्य एवं OBC वर्ग के आवेदक न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में पूर्णकालिक छात्र के रूप में निर्धारित नीतिक्रम पाठ में NCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI परीक्षा उत्तीर्ण होने के चाहिए। और आरक्षित वर्ग हेतु अनुसूचित जनजाति दिव्यज्ञान और उम्मीदवार न्यूनतम 40% अंकों से ITI परीक्षा पास होना चाहिए। तो नॉर्मल के लिए 50% है और कोटा के लिए 45% है। उसके बाद आयु की बात करें तो 1/4/2018 को उम्मीदवार के पास निर्धारित आयु की होना चाहिए। आरक्षण वर्ण के अनुसार दिया जाएगा, तो जो भी आरक्षण आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आयु के बाद देखते हैं कि दिनांक 1/4/2018 को न्यूनतम 16 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष के बीच ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदकों को DGT वेबसाइट जो है वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन पंजीकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया संभव होगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आवेदन के कुछ प्रक्रिया दी गई है, जो आवेदन ऑनलाइन आवेदकों को ही स्वीकार किया जाएगा। मीन्स आप ऑफलाइन आवेदन नहीं सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे साक्षात्कार और क्या क्या डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एग्ज़ाम कितने चरण में होंगे, तो पहला चरण होगा, जो पहला चरण के लिए वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरे चरण में क्या करना पड़ेगा कि आपको NCL वेबसाइट पे www.nclcil करियर टैब के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण पर लिंक करके और NCL ऑनलाइन आवेदन पिक्षु प्रशिक्षण के उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद जो भी रूल रेगुलेशन है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरे रूल को पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। तो ये जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.nclcil.in पे प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ITI पास करने के लिए। यदि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो दे ही रहोगे, ALP टेक्नीशियन का तो ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आवेदन ऑनलाइन की जो
प्रारंभ तिथि है जो आज से स्टार्ट हो गई है, 6/10/2018 से लेके 12/11/2018 तक के अप्लाई कर सकते हैं। तो कि कार्य दिवस को 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, मतलब किसी भी जानकारी चाहिए, किसी का भी कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन को भी हेल्प चाहिए, तो ये जो एड्रेस दिया हुआ है महाप्रबंधन कार्यालय NCLCT सिंगरौली MP, यहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। आप ये नंबर को भी डायल कर सकते हैं, आपको कोई भी सहायता चाहिए तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करें, इस फॉर्म में बस इतना ही, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 418 वैकेंसी है ITI फिटर इलेक्ट्रिकल, तो एक फॉर्म को अप्लाई करें और गवर्नमेंट जॉब पाएं। और उसके बाद हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए रेलवे एग्जाम रिलेटेड, रेलवे गवर्नमेंट जॉब न्यूज नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।